अगर रमशा को किसी लड़के के साथ देख लिया था तो उसे वजाहत का मौका तो दे। तुम्हारे लिए रमशा का अपने क्लास वालों के साथ घर वापस आना ऑड नहीं है? जिनके दिल में चोर होता है वो इस तरह से खुलेआम लिफ्ट नहीं लेते। तुम्हारी तरह बस स्टॉप पे उतर जाते। वैसे उसके तेवर देख के मुझे बहुत डर लग रहा था। डरने की बात तो है ना, आपने उसके साथ क्या किया? मुझसे शादी करने का झूठा वादा करके सारे पैसे आपने उसके हथिया लिए। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें झूठी मोहब्बत के दावे कर रही थी उससे। सुना तुमने, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस घर बैठे और अपना घर बसाए। ऐसे भी ऐसी औरतों को ज्यादा खुली छूट नहीं देनी चाहिए जिनका माजी किस्सों से भरा हुआ हो। खाला लगभग 60 से 70 लाख रुपए की कीमत लग रही है। मैं कोशिश करूंगा कि इससे ज्यादा पैसे मिल जाए, मगर अगर देखा जाए तो उस प्रॉपर्टी की असल वैल्यू से कुछ की जमीन ही है, बाकी सब तो मलबा है। मानुष, तुम क्या कहती हो इस बारे में? मैंने अभी तक डील फाइनल नहीं की है। मैं चाहता था कि ये सब बातें आप लोगों से शेयर कर लूं ताकि मिलकर कोई फैसला किया जाए। अगर मेरी राय ली जाती तो मैं कभी भी प्रॉपर्टी बेचने के हक में थी नहीं। लेकिन खैर, अब तो अम्मी और आप फैसला कर ही चुके हैं, मैं क्या कह सकती हूँ। मानोर, हमने घर को रखकर करना क्या था? इस वक्त सबसे अहम हमारी माँ की जान है हमारे लिए। ये हमारी खानदानी प्रॉपर्टी आपकी। तो कोई बात नहीं, पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, तुम दोबारा प्रॉपर्टी बना सकती हो। और वैसे भी खाला के ऑपरेशन के लिए 10 से 12 लाख रुपए तो चाहिए। अम्मी का इलाज मैं करवा सकती थी और रही इस प्रॉपर्टी की बात, तो इस तरह एक एक करके अबू की सारी प्रॉपर्टी बेचते जा रहे हैं हम। वैसे अपने पैसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल करोगे? अपने ससुराल को तो सपोर्ट कर ही रहे। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम उन्हें सपोर्ट ना करो। फराज की फाइनेंशियल सिचुएशन को मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। फैमिली के अखराजात हैं, इसमें तुम्हारा सपोर्ट करना बनता भी है। वैसे भी एक अच्छी बीवी और बहू का यही फर्ज होता है। फराज एक बहुत ही खुददार इंसान है, उसने आज तक मुझसे एक पैसा नहीं लिया, बल्कि मेरे सारे खर्चे वो जरूर उठाते। आप हमेशा से मुझे यही ताना देते आए ना कि मैं अपने ससुराल का सारा खर्चा उठाती हूँ। तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि मैं अपनी सैलरी में से एक भी पैसा अपने ससुराल वालों पे खर्च नहीं करती, और ना ही कभी उन लोगों ने इस चीज की डिमांड की है। जहेज तो मैंने पहले ही लेने से इनकार कर दिया था। आप कहते हैं ना कि वो लोग बहुत लालची हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तो आपकी इतला के लिए अर्ज है, इस दुनिया में हर शख्स का टारगेट उसकी बीवी का पैसा नहीं होता। फराज वाकई बड़े दिल का इंसान है। मुझे इस बात का बार बार एहसास दिलाया है उसने, और जो भी मेरे अंदर वहम थे उसको लेकर भाई की शादी के बाद सारे दूर हो गए हैं। पता नहीं हम लोगों ने ऐसी कौन सी नेकी की है कि जिसके अजर में हमें फराज जैसा दामाद मिला है, बल्कि वो भी सकलैन की तरह दामाद नहीं, उसने भी बेटा बन के दिखाया हमें। खाला, अगर आपकी इजाजत है तो क्या मैं इस डील को फाइनल कर दूं? मेरे ख्याल से देर नहीं करनी चाहिए। इस डील के फाइनल होते ही फौरन आपके ऑपरेशन के लिए अपॉइंटमेंट भी ले लूंगा।
सुना खाला ने क्या कहा? मुझसे फराज को बुलाया जाए, जुमा 8 दिन हुए उसको हमारी फैमिली का हिस्सा बने। एक बार अस्पताल के लेकर चला गया, तारीफों के पुल बांधे जा रहे, और मैं जो सालों से इनकी खिदमत में लगा, उनका हर काम कर रहा, किराए इकट्ठे कर रहा, ग्रोसरीज ला कर दे रहा हूँ, यूनिवर्सिटी या कॉलेज की लाइन में धक्के खा रहा हूँ, दुकानों के कब्जे छुड़वाने के लिए अपनी जान मार रहा हूँ। आप गुस्सा ना करें, अम्मी ने तो बस ऐसे ही कह दिया आपसे, लेकिन आप तो ऐसे नहीं कहा। मेरा फराज से कंपैरिजन किया जा रहा, ये कहकर मुझे एहसास दिलाया जा रहा है कि मैंने जैसे उनके लिए सारी जिंदगी कुछ भी नहीं किया। ऐसा नहीं है, आपको गलत फहमी हो रही है। अम्मी आपकी बहुत कदर करती हैं, आपको अपना बेटा मानती हैं। छोड़ो यार, दिल दुखा दिया आज खाला ने। मुझे एक बात बताओ, मुझ जैसा कोई है तुम्हारे खानदान में? नहीं ना। इतनी नेकी अगर मैंने किसी और के साथ की होती तो पैर धो धो के पीता मेरे। और मैंने तो कभी तुम्हें इस बात का ताना भी नहीं दिया कि तुम मुझे औलाद नहीं दे सके। ख्वाहिश को अपने दिल में दफन कर दिया। क्या मेरा दिल नहीं करता मेरा खानदान आगे बढ़े? मेरे मरने के बाद मेरा भी कोई नाम लेगा? अरे भाई, ये देखें मेरी नई बाइक, इसका साउंड तो सुनेंगे। देखें भाई, यार ये तो वाकई बहुत अच्छी है। अब इसको एहतियात से चलाना, ब्रेक तो लगती है ना इसमें। जी जी भाई, सारी चीजें वर्किंग में है इसकी। अच्छा, इसे बंद करो अब, इसके शोर की वजह से पूरा मोहल्ला सर पे उठा रखा है तुमने। क्यों बंद करूं? अरे भाई, उन्हें भी पता होना चाहिए कि मैं बाइक लेकर आया हूं। वैसे तो सारा दिन कान लगाए मैं घर की आवाजें सुनते रहते हैं, आज मेरी इस बाइक के साउंड को एंजॉय तो करें वो। इस लड़के को कभी अकल नहीं आएगी, जब भी बोलता है ना कफन फाड़ के बोलता है। इसे फराज बेटा, मानूर कहाँ? क्या आज भी देर तक दफ्तर में मीटिंग होगी? मेरी बात का बुरा मत मानना, अगर मानूर को देर तक रुकना हो ना दफ्तर में तो उसके सर पे बैठा करो। नहीं, मुझे जरूरत नहीं है मानूर की निगरानी करने की। हाँ, वहाँ अगर काम होगा तो जरूर रुक जाऊंगा। वैसे मानूर अभी ऑफिस में नहीं है बल्कि अपनी अम्मी के घर गई हुई है। फिर पहुंच गई अपनी माँ के घर बिना बताए? चाले वापस, इसका दिमाग तो दुरुस्त करती हूँ। भाई हुँ? मुझे लेके जाए ना कहीं। चले चले, इसमें बैठते कैसे? कोई जरूरत नहीं, हटो 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 मेरी बाइक से, दूर हो। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी बाइक है, तुम पे ना रिक्शा सूट करता तुम उसी में सफर किया करो। रखे अपनी सेकंड हैंड बाइक। क्या 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 जैसा कोई है तुम्हारे खानदान? इतनी नेकी अगर मैंने किसी और के साथ की होती तो पैर धो धो के पीता मैं। और मैंने तो कभी तुम्हें इस बात का ताना भी नहीं दिया कि तुम मुझे औलाद ना दे सके। ख्वाहिश को अपने दिल में दफन कर दिया। क्या मेरा दिल नहीं करता मेरा खानदान आगे? मेरे मरने के बाद मेरा भी कोई नाम नहीं होगा। जोड़ जोड़ हारे
क्या बात है, ऐसे क्यों बैठी हैं? तबीयत ठीक है ना आपकी? हाँ मैं ठीक हूँ बेटा। फिर क्या सोच रही हैं? सोच रही हूँ कि अब मेरी तबीयत ठीक है तो ऑपरेशन कराने की क्या जरूरत है। अब जो डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं उससे मैं बहुत बेहतर फील कर रही हूँ। जरूरी है कि दिल को ऑपरेशन कराऊं मैं। डॉक्टर ने जो आपको दवाइयाँ दी हैं उनसे आपको वक्ती आराम मिल सकता है। खुदा ना खास्ता कल को कोई इमरजेंसी हो जाए, फिर ये सर्जरी करनी पड़े, फिर क्या करेंगे हम? बेहतर नहीं कि अभी करवा लें? पर इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। आपको अल्लाह पे भरोसा है ना? अल्लाह पर भरोसा ही तो है बेटा, अल्लाह के भरोसे ही तो सारी जिंदगी गुजार दी है मैंने। सुनो माही, वो तुम अरीबा को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दो, मैं उसकी तरफ से बहुत परेशान हूँ, मैं चाहती हूँ उसकी गोद पर जाए। नहीं आप परेशान मत हो, बस दुआ करें, सब ठीक होगा। बेटा दुआएं तो मेरी जिंदगी का मामूल बन चुकी हैं, तुम तीनों के लिए बस दुआएं तो करती रहती हूँ, रहे क्या मेरे पास। रमशा का भी जरा ख्याल रखा करो बेटा। रमशा ने क्या किया? आजकल ना बहुत फजूल खर्चियां करनी शुरू कर दी उसने, पहले कभी ऐसा नहीं करती थी, बस कुछ हफ्तों से ही ऐसा कर रही है। कभी किसी दोस्त की सालगिरह होती है उसके लिए तोहफे चाहिए होते हैं, कभी दोस्त के साथ खाने पे जा रही होती है उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। अब तुम तो जानती हो ना कि घर का खर्च चलाना कितना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, ये सब कुछ कैसे चलेगा बेटा? दोनों हाथों से पैसा लुटा रही है वो, तुम उसे समझाओ ना। अच्छा ठीक है, मैं करूँगी बात उससे, ठीक है। आप चलें, अब आराम कर लें, कब से आपने आराम भी नहीं किया, उठें। इधर बैठो मेरे पास। माही तुम्हारे घर में तो सब खैरियत है ना बेटा, सब ठीक है ना? सब ठीक है अम्मी, आप क्यों इतना सोच रही हैं? कोई परेशानी की बात नहीं है, सब बहुत अच्छा चल रहा है, आप इतना मत सोचें। आप अब आराम करें थोड़ी देर, मैं आपके लिए सूप बना कर लाती हूँ, ठीक है? अभी आती हूँ। आखिर मसला क्या है आपका? क्यों एक ही बात की रट लगाई हुई है आपने? शादी 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 नहीं करनी है मुझे, शादी आगे पढ़ना है। और बात नहीं आओगी तो तुम्हें मैंने मना किया था ना कि मेरे सामने जबान ना चलाना, वरना क्या मारेंगी मुझे? ठीक है मार ले, लेकिन इस बार मैं आपकी एक भी बात नहीं मानूंगी। माननी तो पड़ेगी। क्यों, माहिर पे तो कोई हक नहीं चलता आपका, सारे हुक्म मेरे लिए ही है, उसका तो जो दिल चाहता है वो करता फिरता है। अम्मी प्लीज मिल ग्रेजुएशन के लिए मान जाए, आखिर ऐसी कौन सी आफत थी कि आपने कल ही लड़के वालों को बुला लिया? आफत ये कि ये जो आजकल तुम्हारी कैंची जैसी जबान चल रही है, जो सारा वक्त तुम उस मानूर की बगल में घुसी रहती हो, वहीं से सीख रही हूँ ये बदतमीजी, ये बागयाना हरकतें, वरना पहले तो तुम्हें शादी से कोई मसला नहीं था। हाँ नहीं था मसला, क्योंकि उस वक्त मैं कुछ जानती नहीं थी, मेरी कोई अपनी सोच नहीं थी, लेकिन मानूर भाभी को देखकर मुझे भी शौक होता है, मैं भी पढ़ूं कुछ बनूं जैसे कि वो। उस जैसे तो तुम्हें कभी भी ना बनने थी, ये तो हौसला है उसकी माँ का जिसने उसे बर्दाश्त किया, या हो सकता है उनके घरों में ऐसी तरबियत होती हो। तो मेरी बात कान खोल कर सुन लो, अब मुझे इस मौजू पे कोई बहस नहीं करनी। कल लड़के वालों को बुलाया, इंसान की बच्ची बनकर उनके सामने आना, खुदा खुदा करके बात आगे बढ़िए, सल्ला करे बाकी मामलात भी खैरियत से हो जाए। आपने ना बस एक जिद पकड़ ली और वो जिद आप पूरी करके रहेंगे, लेकिन ये याद रखिएगा उस जिद का अंजाम अच्छा नहीं होगा। वालेकुम सलाम। देखा तुमने कितनी बदतमीजी करके गई,
आंटी, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूं। वो आप क्यों इतनी जल्दी आयमा की शादी करवाना चाहती हैं? वो भी जबरदस्ती। वो भी पढ़ना चाहती है, मुझे लगता है आपको उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए। तुम अपने मशवरे अपने पास रखो, वो मेरी औलाद है, उसका भला बुरा मैं तुमसे बेहतर समझती हूँ। तुम्हें अगर फराज ने छूट दे रखी है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी बच्ची का दिमाग खराब करना शुरू कर दो। नहीं, मैंने आयमा से कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं फराज से बात करूं। फराज भी मेरी बात पे इख्तलाफ नहीं कर सकता। और तुम दिन भर दफ्तर में गुजारती हो, शाम घर वापस आने को दिल नहीं करता? बिन बताए अपनी माँ के घर पहुंच गए? जी, वो मैं बस बस मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कोई वजाहतें। अपने घर पर ध्यान दो, अगर बार बार पीछे पलट कर देखोगी तो अपना घर कैसे बसाओगी? ना तुम्हें सास की कोई फिक्र है, ना शौहर की परवाह। जब देखो मुंह उठाया और निकल गई मैके। आपका भाई? बस अभी थोड़ी देर हुई। आंटी की तबीयत कैसी है? अब ठीक है। आप लोगों ने कोई डेट डिसाइड की उनकी सर्जरी की? हाँ, वो सोच रहे हैं नेक्स्ट वीक का। सकलेन भाई बस अब डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेंगे। ये तो अच्छा हो जाएगा कि उनकी सर्जरी जल्दी हो जाएगी। वहाँ हॉस्पिटल में मेरा एक दोस्त है, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, ये आपका काम था, ये देख लें, मैंने कंप्लीट कर दिया है, आप रिजेक्ट कर लीजिएगा। सुबह हम इंशाल्लाह अगले महीने की सप्लाई प्लान पूरा सबमिट कर देंगे। इंशाल्लाह आपको आगे मसला नहीं होगा। थैंक यू। थैंक यू किस बात का? आप अपना काम भी करते हैं और मेरा काम भी। आपका और मेरा काम अलग अलग थोड़ी है। अरीबा, मैंने कभी भी सकलेन का उससे मुआवजा नहीं किया। वो अच्छा इंसान है, उसे भी सकलेन की तरह हमारा एहसास है। आप फिर उसे मिला रही हैं? कल को अगर आपकी बेटी बांझ निकल आए तो क्या फराज सकलेन की तरह चुपचाप उसे सह लेगा? मम्मी, मैं तो बहुत घबरा गई थी रमीज को अपने सामने आता देखकर। अगर वो सकलेन के सामने मुझसे बात कर लेता तो पता नहीं क्या होता। कहीं आपके पास उसका नंबर तो नहीं है? अरे, मेरे पास उसका नंबर कहाँ से आया? ये भी है,
मुझे लगता है ये कोई इत्तफाक नहीं हो सकता रमीज का यूं आना। कहीं आप मेरे साथ कोई चक्कर तो नहीं चला रही? सच सच बताएं मुझे। मैं तुम्हारे साथ चले चलूंगी। आज तक मैंने जो कुछ किया तुम्हारी भलाई के लिए किया, और आगे भी जो होगा ना वो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होगा। क्या मतलब? देखो मतलब ये कि रमीज का मिलना भले इत्तफाक हो, लेकिन उसका तुम्हारी जिंदगी में वापस आना तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होगा। वो सिर्फ बदला लेने के लिए आया और कुछ नहीं। अगर उसे बदला लेना होता तो वो जब मुझसे मिला था मेरा टेटवा दबा देता और सकलेन को सारे तुम्हारे भेद बताता। मुझे लग रहा है उसके आने का मकसद कुछ और है। तो उसका दूसरा मकसद क्या हो सकता है? मरता था वो तुम पर। ये इश्क बड़ा बेरहम होता है, आसानी से जान नहीं छोड़ता। जब सकलेन जैसा शातिर आदमी तुम्हारे इश्क में काठ का उल्लू बन सकता है तो रमीज तो बेवकूफ है। अम्मी खुलकर बात करें, क्या कहना चाह रही है? मैं पहले टेंशन में हूँ, पहेलियां बुझा रही है। देखो सकलेन से तो तुमने एक ना एक दिन जान छुड़वा ही लेनी है, और रमीज को तो तुम अभी तक चाहती हो। अब अगर वो वापस आ ही गया है तो बहला फुसला के उसे अपने साथ मिला लो और उसे यकीन दिलाओ कि तुम अभी तक मासूम हो। सकलेन की जेब खाली करके हम निकल ही जाएंगे और फिर तुम रमीज से निकाह कर लेना। कहे तो आप ठीक रही हैं, महाराज मैं आज बहुत डर गई थी। चलो अब टेंशन नहीं, चलो। अच्छा ये बताओ मेरा परफ्यूम कैसा लगा है तुम्हें? हाँ अच्छा था। मुझे तो लगा तुम मुझसे नाराजी हो गए हो। नहीं तुमसे खफा क्यों होगा बेवकूफ, बस तुमसे थोड़ा सा मूड ऑफ है मेरा। एक तो तुम डरपोक बहुत हो। वो क्या है ना कि मुझे डेयरिंग लड़कियां बहुत पसंद है। लेकिन मुझे तो तुम पसंद हो। मैं डरपोक नहीं हूँ, बस थोड़ा ना ध्यान से चलती हूँ। एक्चुअली मेरी फैमिली जो है ना वो काफी कंजर्वेटिव है। कम ऑन स्वीट हार्ट, एक तो तुम टेंशन बहुत लेती हो। अभी आप? मैं ये कपड़े वॉशिंग एरिया में रखने जा रही थी। अगर आपको किसी भी चीज की हेल्प की जरूरत है तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। नहीं चुको। अरे भाभी तकल्लुफ क्यों कर रही है, मैं हेल्प कर देता हूँ ना आपकी। तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। थैंक यू। श्योर वेलकम। हाँ हेलो। क्या आप ही आई थी तुम्हारे पास? हाँ तुम्हारी वही आप ही। कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि हम आपस में बात कर रहे हैं? बेवकूफ तुम कोई वीडियो कॉल पे थोड़ी थी, जो उन्हें पता चल जाता कि फोन की दूसरी तरफ कौन है। अरीबा अरीबा मेरी जान, मुझे पता तो चले कि आखिर तुम मुझसे नाराज क्यों हो? मैं आपसे नाराज नहीं हूं, मैं अपनी किस्मत से नाराज हूं। किस्मत से नाराज? अरीबा बेटा मुझे पता हुआ क्या है, कहीं कहीं सकलेन से कोई झगड़ा तो नहीं हुआ तुम्हारा? क्या फर्क पड़ता अम्मी, हमारा झगड़ा हो या ना हो, आपकी नजर में ना मेरी कोई अहमियत है ना उनकी। कैसी बातें कर रही हो ये तुम? आपको अंदाजा है आपकी बातों से सकलेन को कितनी तकलीफ पहुंचाई है? मेरी बातों से? जी सालों से वो आपको अपनी जिम्मेदारी समझते रहे, दिन रात आपकी वजह से और इस घर की वजह से खुद को हलकान करते रहे। इस घर का हर मसला मसाइल हल करते हैं वो। हाँ बरसों से हर जिम्मेदारी निभाई है। क्या सिर हम ना गए बेटा, हमने तो हमेशा उसका एहसान माना है, हर बात में उसको अहमियत दी है। औलाद से बढ़कर है वो मेरे लिए बेटा। मानूर की शादी का भी वक्त ही कितना हुआ है, चंद हफ्ते।
इतने कम टाइम में आपने फराज को सकलैन की जगह दे दी। सिर्फ एक बार आपको हॉस्पिटल लेकर गया है वो। अरीबा, मैंने कभी भी सकलैन का उससे मुआवजा नहीं किया। वो अच्छा इंसान है, उसे भी सकलैन की तरह हमारा एहसास है। आप फिर उससे मिला रही हैं। कल को अगर आपकी बेटी बांझ निकल आए तो क्या फराज सकलैन की तरह चुपचाप उसे सह लेगा? अल्लाह ना करे मेरी मानूर, क्या हो गया है तुम्हें? ऐसी फजूल बातें क्यों मुझसे निकाल रही हो? दिन रात घुट घुट के जीना पड़ता है मुझे, इससे बेहतर है कि मुझे मौत आ जाए। ना करे अरीबा, अरीबा इधर मेरे पास, मेरी जान, ऐसी बातें नहीं करते। करते ऐसी बातें? प्लीज आओ, मैं एक मिनट बाइक अंदर कर लूं। थैंक यू। एक मिनट में बात करता हूं। चले। मैं आंटी को क्या बोलूंगी कि मैं यहाँ पे इस टाइम क्यों आई हूँ? आप कुछ भी बहाना कर देना अम्मी से। Come on यार, एक तो तुम परेशान बहुत जल्दी हो जाती हो। अब तुम्हारी वजह से मैं घर आया हूँ तुम्हारा असाइनमेंट लेने के लिए। पूरी रात मैंने झाक कर तुम्हारा असाइनमेंट कंप्लीट किया है। हाँ, लेकिन तुम मुझे असाइनमेंट सुबह भी तो दे सकते थे ना, अभी यहाँ। हाँ दे सकता था, लेकिन शोर तुम ही मचा रही थी ना कि मुझे असाइनमेंट दो। अब तुम्हारी वैसे घर आया हूँ यार, वो तोड़ दी की तो बात है। अम्मी से कुछ भी कह देना, एक काम करना, कहना कि आई वहां से मिलने के लिए आई हूँ और असाइनमेंट लेंगे फिर फोन चले आएंगे। क्यों प्लीज चले, आओ। मैं आज तुम्हें आयमा और अम्मी से मिलवा रहा हूँ। घर में कोई नजर नहीं आ रहा है। आयमा, अम्मी। हाँ आई थिंक ये लोग मार्केट गए होंगे, मुझे याद है। हाँ तो हमें भी चलना चाहिए ना, तुम असाइनमेंट लेकर आ जाओ जल्दी से। क्यों डर रही हो? नहीं, तुम मुझसे डर रही हो? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं अकेले में तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा? हाँ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अगर किसी ने हमें इस टाइम यूं अकेले देख लिया तो पता नहीं क्या सोचेंगे। तो क्या प्रॉब्लम होगी? यही कि तुम्हारी आप ही है। तुम यहां क्या कर रही हो? वो मैं आप ही, मैं आयमा से मिलने आई हूं। वो इसका असाइनमेंट घर पे रह गया था, हम लोग वो लेने के लिए आए थे और आयमा भी दो तीन बार बोल चुकी थी तो सोचा इसे आयमा से मिला दूं। लेकिन आयमा और आंटी घर पर नहीं है। आंटी और आयमा बाजार गए, सुबह वो लोग बात कर रहे थे इसलिए मैंने सुन लिया। आज शाम को गेस्ट आ रहे हैं आयमा को देखने के लिए, इसीलिए मैं घर जल्दी वापस आ गई। ये सब कुछ तो मुझे नहीं मालूम था ना। आप चाहे तो अम्मी से कॉल करके पूछ लें, इसलिए मैं। चलो तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। नहीं आप ही, लेकिन मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, असाइनमेंट भी तो देना है। अब मैं तो
तुम्हारा सामान लेकर आता हूँ। बाजी खाना लगा दूं क्या? सिर्फ रिबा के लिए थोड़ी देर में रमशा आएगी, मैं उसके साथ खा लूंगी, मुझे भूख नहीं है। जी अच्छा ठीक है। असाइनमेंट। चलो मैं जरा फ्रेश हो जाऊं, फिर मैं ड्रॉप करती हूँ। बाबा जी मैंने खाना लगा दिया है, खाना खा लें। मुझे भूख नहीं है। बाजी क्यों खुद को दुखी करती हैं? आपकी वजह से बड़ी बाजी भी रो रही हैं। आपको तो पता है ना उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, अपनी तकलीफ में ये तक भूल गई कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तुम जाओ, मैं उन्हें बुलाती हूँ। ठीक है। तुम माहिर के साथ अकेली यूनिवर्सिटी से क्यों निकली? आपको बताया तो है उसने असाइनमेंट देना था। असाइनमेंट लेना था? वो तुम्हें वो असाइनमेंट घर आकर भी दे सकता था ना। मुझे आयमा से भी मिलना था। आयमा से मिलना था? तुम्हारा दिमाग ठीक है? अगर आयमा से मिलना था तो तुम उस वक्त आती जब मैं घर में मौजूद होती, या फिर कोई और घर में होता। तुम इस तरह बगैर किसी को इन्फॉर्म किए मुंह उठाकर कहीं भी चली जाओगी? अम्मी को तो इन्फॉर्म करती। मुझे नहीं पता था कि घर पे कोई नहीं है, और इनफैक्ट मैं घर से निकलने वाली थी उसी टाइम पे ना। निकलने वाली थी? शुक्र है कि मैं आ गई। अगर आंटी या फराज आ जाते तो वो क्या सोचते तुम्हारे बारे में? मुझे लगता है कि मुझसे ही गलती होगी, मुझे तुम्हारी फेवर करनी नहीं चाहिए थी। पता नहीं तुम माहिर के साथ यूनिवर्सिटी के बाद और कहाँ कहाँ जाती होगी। मैं कहीं नहीं जाती हूँ, ये सिर्फ मेरा फर्स्ट टाइम था उसके साथ। मुझे तुम्हारी किसी बात पर कोई यकीन नहीं है। बाय द वे, तुम्हारा असाइनमेंट माहिर के पास क्यों था? क्योंकि उसने मेरा असाइनमेंट बनाया था ना। रमशा तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम्हारा असाइनमेंट भी माहिर बना रहा है तो तुम यूनिवर्सिटी करने क्या जाती हो जब तुम्हारे हिस्से की पढ़ाई भी कोई और करेगा तो? नहीं, मैं अपना असाइनमेंट खुद बनाती हूँ। वो सिर्फ मेरी क्लास का टॉपर है और उसने मेरी हेल्प कर दी थी और कुछ नहीं। और ये सब वही सिचुएशन है जब अम्मी की तबीयत खराब थी और मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाती थी, उसने सिर्फ मेरी हेल्प की है। मुझे ये कहना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मेरा माहिर के साथ बहुत नाजुक रिश्ता है, वो मेरा देवर है। लेकिन रमशा ये बात समझो, इस दुनिया में कोई भी किसी की मदद बगैर मतलब की नहीं करता। माहिर को मुझसे क्या मतलब होगा? मतलब अगर तुम इसका मतलब नहीं समझ पा रही हो ना, तो मुझे अफसोस है तुम्हारी अकल पर। लेकिन एक बात कान खोल कर सुनो, आज के बाद तुम माहिर से नहीं मिलो, और मुझे तुम्हारी माहिर के साथ इतनी बेतकल्लुफी बिल्कुल पसंद नहीं। माहिर मेरा से पहले का फ्रेंड है, मैं आपकी शादी से पहले से उसे जानती हूँ ना। वो ऊपर से मेरी हेल्प भी करता है, सिर्फ और कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर बात पढ़ाई की है तो तुम्हारा माहिर के साथ सिर्फ पढ़ाई का ताल्लुक ही होना चाहिए।
यूनिवर्सिटी के बाद तुम्हारा माहिर से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, और अगर तुमने मेरी बात ना मानी ना तो फिर मैं भी वही करूंगी जो अम्मी अरीबा आपी और सकलैन भाई चाहते हैं। अम्मी, अरे बाजी इतनी जल्दी सो गई? अभी तो मैंने मांस पड़ता छोड़ के गई हूं इन्हें। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं। आई एम सॉरी, अपनी फ्रस्ट्रेशन में तो ये भूल ही गई कि आपकी तबीयत खराब है, आपके दिल पे क्या गुजरेगी। अम्मी, 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 अम्मी आंखें खोले, मैं आपसे बात कर रही हूँ। अम्मी, 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 अम्मी? अम्मी मैं आपसे माफी मांग तो रही हूँ। अम्मी, अम्मी आंखें खोले, अम्मी बात क्यों नहीं कर रही? क्या हुआ बाजी? अम्मी, बाजी पानी लेकर आओ, पानी। अम्मी, अम्मी आंखें खोले ना। अम्मी, 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 मैं सकलान को फोन करती हूँ, अम्मी के पास ठहरो। मतलब एक अम्मी की तबीयत ठीक नहीं, ऊपर से तुमने अपनी फजूल खर्चियां शुरू कर दी और अम्मी को परेशान करना शुरू कर दिया। बड़ी हो गई हो तुम, कब समझोगी ये बात? आपी, क्या आपी? सकलैन, अम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई, आंखें नहीं खोल रही। हाँ, आप जल्दी से आ जाएं। क्या हुआ अम्मी को? अम्मी आंखें नहीं खोल रही, पता नहीं क्या। क्या मतलब है अम्मी? Get ready for the ATM. अगर कुछ नहीं होगा तो ठीक हो जाएंगे। पक्का ना? मैं ठीक हो जाएंगी ना? वही हुआ जिसका डर था, इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि सर्जरी का बरवक्त डिसीजन ले लें। डॉक्टर, अम्मी, अम्मी ठीक तो हो जाएंगी ना? कोई मसला तो नहीं है ना? ब्लड क्लॉटिंग की वजह से दिल तक ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है। इसका मतलब है कि कुछ भी नहीं हो सकता? नहीं नहीं, हम अपनी जानिब से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर आप फौरन इस बात का फैसला ले लेते तो इतना मैसिव हार्ट अटैक नहीं होता। बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं, इनकी कंडीशन देखते हुए हम फैसला करेंगे कि सर्जरी कब करनी है। इंतहाई ढीठ और सख्त जान है ये बुढ़िया, और ये डॉक्टर मुसर तो बड़ा शोर था कि हार्ट अटैक से बचना नामुमकिन है, और अब उम्मीद दिला रहा है कि कुछ नहीं होगा। वाह, मन आ गन, मन आ गन।